मेहनत से ये माना चूर हैं हम, आराम से कोसों दूर हैं हम, पर लड़ने पर मजबूर हैं हम, मजदूर हैं हम। सब्जी मंडी में काम करती ये ख्वातीन, जिन्हें ना अपने हकूक का इल्म है ना ज़माने की परवाह, इन्हें तो बस अपना फ़र्ज़ याद है, और ये फ़र्ज़ है अपना और अपने बच्चों का पेट पालना। इन्हें फ़िक्र है तो बस इस बात की कि किस तरह दो वक्त की रोटी कमा लें, गम है तो सिर्फ इस बात का कि घर में कमाने वाला इनके सिवा कोई नहीं। बच्चे माशाल्लाह पांच हैं, बच्चे मदद नहीं करते, चोर वेला तो गरीब आदमी कितो रोटी कमा के खा गए। बड़ा बच्चा है वो बेचारा बीमार है तो फिर कर दे तो फिर तुम बाजी फिर करना तो फिर खाना सानू किसी और काम का बाजी नहीं तरीका नहीं है। असं एह शुरू तो करने तो एह करने बस मुश्किल है। हम फिर हिम्मत करनी पैंदी है ना, कोई भी काम हिम्मत ना नहीं है ना, हिम्मत तो बगैर तो नहीं ना होंगे। सुबह सवेरे मुँह अंधेरे ये खवातीन घर से निकलती हैं और सब्जी मंडी की राह लेती हैं, फिर सारा दिन ही सब्जियों के भाव तोल में सर्फ हो जाता है। सुबह 3 बजे घर से निकली ये उम्र रसीदा खवातीन शाम 4 या 5 बजे घर वापस पहुंचती हैं तो चूल्हा चौका इनका मुंतजर होता है। ये बहुत मेहनत वाला काम है, सुबह 3 बजे आईदा रात नूं शामी 3-4 बजे जाईदा, घर खरीदना पैंदा फिर इन्हें बनाना पैंदा हैगा तो फिर इत्थे मंडी आन के फिर बेचना पैंदा। आमदन कोई नहीं है, कारोबार कोई नहीं है, सौदा जिन्हें लैब उन्ने पैसे भी नहीं पूरे होंगे, नुकसान होंगे पिछों सौदे महंगे आरती महंगे देंगे अगे रेट नहीं बिकता नहीं। मर्दा बह के करी का कम असी औरत बन के थोड़ी बैठे, इन्नी मंडी के बच्चे कोई बैठ सकता है, मर्द बन के बही दा इत्थे सानू इन्ना अरसा हो जाए, बच्चे जवान हो गए नहीं तो असं अपना कारोबार करने अपनी इज्जत की हिफाजत भी करी दी अपना काम भी करी दा। हुण महंगाई इन्नी हो गई तो बंदा की कर सके, एक जने की पूरी पैंदी है नहीं पूरी पैंदी, महंगाई इन्नी हो छट हो गई, बिजलियां के बिल नहीं मान, घर की रोटी नहीं बंदा पूरी कर सकता जिन्नी महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी, गरीब आदमी रोटी नहीं कमा के खा सकता। अपने दसा नौ करके मेहनत करके अपनी कमाने से किसी गाड़ी हाथ थोड़ी फेर लाने। हाँ जी ये तो इंसान अल्लाह पाक ने बनाया कहदे वास्ते बनाया, जिस्म आ जान आ वजूद आ हथ बाह आ तो फिर इंसान अपने हथ नहीं करके खावे, अगर किसी के कोलों मंगन इस तरह हथ डाह के किसी को मंगे तो क्यों किसी दी गल्लां बंदा सुने। बच्चे हुण इत्थे आ तुहाडे सारे कमेटी वाले इत्थे हुंदे ने, इन्हां नूं पता ही आ असीं कदी किसी कोलों बाजी गल नहीं सुनी हैगी, असीं अपनी करके खाने। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੌਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬਮੂਰ ਹੋਈਦਾ ਫਿਰ ਘਰ ਰਹਿ ਪਈਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਰਾ ਆਈਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਵਾਉਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸਭ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਇੱਥੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚੀਦਾ ਕਾ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵੇਚ ਕੇ 12-1 ਵਜੇ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਆਉਣਾ। शोहर कमाता नहीं बीमार है, औलाद ना फरमान है या नकम्मी, इन्हें फिर भी है सबकी फिक्र, कमाना भी है और पकाना भी, थके मांदे जिस्म और रूह के साथ ये खवातीन हर रोज़ यही रूटीन निभाती चली आ रही हैं। मुआशरे से कोई गिला ना कोई सरोकार, सिर्फ दो वक्त की रोटी कमाने की धुन सवार। कोई नहीं आया बस कभी का सौदे बड़े महंगे न, कोई नहीं बजता है पैसा, कोई नहीं बजता, उन आड़ती ने पैसे भी नहीं कट्ठे होंगे। अड्डे जो 5-5-6-6 सौ रुपया लेंगे वो माफ होने चाहिए, 600 रुपया अड्डा 600 बजता नहीं आते उन्होंने 600 कितों देंगे। इस तो हट के हूँ असं की करिए, सू जाच नहीं आती हूँ की करिए। ये हैं हमारे मुआशरे के असल मेहनतकश, मेहनतकश तबके की खवातीन जिनकी उम्र हो चुकी है कि अब वो घर पर आराम करें और अपने पोते पोतियों के साथ वक्त गुजारें, लेकिन हालात इन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देते। बस इन्हें बेचारियों की मजबूरी है, गरीब ने गे गरीब ने तो फिर हूँ इतों कर कतर के फिर चले अपने माँ बाप वास्ते लेके जाते हैं, पढ़ भी सकते हैं गे। हाँ तो जो घर के अख्ताजात नहीं पूरे होंगे तो फिर कितों पढ़ाने, सारी दिहाड़ी बच्चियाँ हूँ उन्होंने बेचारियाँ सब्जी वगैरह चुगना तो फिर उन्होंने बेचना फिर अपने घर खड़ना, चिरते कोई हथ रखे तो इस तो वड्डी नेकी की है, पर उन्होंने मजबूरी हैगी। मैं बच्चियाँ माशाल्लाह देख लो तुहाडे सामने ही है।